मिथुन राशि वालों, आपका भविष्य बदल रहा है। जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदेव। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मिथुन राशि वालों, हम जानते हैं आपको दिन रात अपने भविष्य की चिंता सता रही है और भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से महीनों से आप में से कई लोगों को लाभ तो मिला, लेकिन मिथुन राशि के कई व्यक्ति ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से त्रस्त नजर आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की समस्या या फिर दुर्भाग्य के भोर में फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनका भी वक्त और तकदीर दोनों बदलने वाली है, क्योंकि अगस्त से दिसंबर तक आपका भविष्य बदल रहा है। मैं आपके जीवन को लेकर 5 बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि क्या पता एक भविष्यवाणी आपकी किस्मत बदल दे। मिथुन राशि वालों, मैंने मई महीने में एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था कि जून में एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान उठेगा और आप देख भी सकते हैं, आज महाराष्ट्र में NCP एवं कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ रहा है, तो शिवसेना में भी आंतरिक भूचाल आया हुआ है और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सच होती जा रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं अगस्त से दिसंबर में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है। मिथुन राशि के जो जातक आधुनिक जीवन के दो विषयों पर प्रबलता से ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जैसे कि पैसा और प्यार, तो समझ लीजिए कि इस वक्त प्रथम खुशखबरी भाग्य आपको धन के रूप में प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि जहां एक और बकरी शनि का प्रभाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव को स्थापित करेगा, उसी ओर नवम्बर तक ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह गुरु भी बकरी अवस्था में रहकर आंशिक राज्यों का निर्माण कर रहे है, जिसके ही कारण खरीदना बेचना, जमा पूंजी में बढ़ोतरी, संयुक्त वित्त खरीदना आदि लाभ उपलब्ध होंगे। आप महत्वपूर्ण दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव एवं क्षेत्र का विस्तार होगा। आपके आसपास नए दोस्त जान पहचान वाले शामिल होंगे, जिसके ही कारण आप धन से जुड़े हुए बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। ग्रहों के गोचर के प्रभाव स्वरूप आप अपने साथी परिवार के सदस्य, सहकर्मी हो या दोस्तों के साथ सहयोग करने के तरीके में भी बदलाव लाएंगे और उसका लाभ भी आपको प्रथम खुशखबरी के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जो जातक शक्ति और ऊर्जा से भरपूर रहते थे, पूर्ण मेहनत करते हुए भी किस्मत का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए दूसरी भविष्यवाणी आर्थिक सत्ता, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि और किस्मत के रूप में मिलने जा रही है, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको पद, उन्नति, अतिरिक्त लाभ आपकी झोली में बरबस से मिल जाएंगे। जमीन और जायदाद के परिदृश्य में आप वाकई बेहद व्यस्त दौरे से गुजरेंगे। आप अपने गुप्त व रहस्यमय कार्यों का भरपूर आनंद उठाएंगे। जो अपने घर से दूर रोजी रोजगार प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी घर के पास आकर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ तक आपके नजदीकी संबंधी या मित्र के साथ भी आपके व्यवसायिक भागीदारी बन सकती है, क्योंकि आप जिस तरह की प्रगति की तलाश में थे वह आपके कदमों में आकर गिरने वाली है। हमें यह कहते हुए भी अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि आप अपने जीवन के परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कार्यस्थल पर घटने वाली विविध घटना परेशान कर रही थी, तो आप तीसरी भविष्यवाणी व्यापार वित्त की काया पलटने के रूप में प्राप्त करेंगे। आप चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो या नौकरी में, आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। अगस्त के बाद आपके व्यापार में, नौकरी में अपने प्रतिद्वंदियों पर आप हावी रहेंगे, उनकी चमक फीकी कर देंगे, जिसके ही कारण प्रतिष्ठा, शक्ति और धन के मुद्दे सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रहण करेंगे। आप अपने व्यवसाय को नए तरीकों से, नई रणनीतियों के साथ चलाते हुए अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त करेंगे। जल्दी ही आप विभिन्न संपर्क स्रोतों में मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। नए कारोबार की शुरुआत करने वाले लोगों की भी किस्मत अब सातवें आसमान पर रहेगी, जिनके ही कारण जीवन आपको एक नई दिशा की ओर आगे ले जाएगा, जहां एक और बेहतर विकल्प तलाशने की जद्दोजहद आपको बड़े स्थान, बड़े शहर या विदेश में भी ले जाएगी, तो दूसरी ओर कार्य से वंचित एवं जॉब की तलाश करने वाले जातक भी इच्छित लाभ की ओर आगे बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि के जो जातक प्रेम और दाम्पत्य जीवन में खुशियों की, शांति की तलाश कर रहे हैं, उन्हें 2022 के उत्तरार्ध में गुरु का गोचर निश्चित ही सुख प्रदान करने जा रहा है।
दाम्पत्य जीवन में, प्रेम जीवन में जो कड़वाहट यानी कि असमंजस की स्थिति चल रही थी वह पूर्ण रूप से खत्म होने जा रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के चलते आप अपने पार्टनर के प्रति काफी रोमांटिक रहेंगे। घर में आराम और निजी रोमांस का भरपूर आनंद उठाने का अवसर उपलब्ध होगा। तो खास तौर पर आप में से कुछ जातक शादी के बंधन में भी बन सकते हैं, तो आपके जीवन में कोई खास इस साल के अंत से पहले अवश्य आ सकता है जो आपके दिलो दिमाग को और चांदनी रातों को अतरंगता से भर देगा। चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप कामदेव के तीरों से नहीं बच सकेंगे। मानकर चलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अवधि आपके रिश्तों में भावनाओं को मजबूत करने के लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। कुल मिलाकर आपको जीवन का लाभ अवश्य मिलेगा। जय गुरुदत्त। जय